हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार एक बार फिर से एक नई कहानी लेकर के आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, हमारी कहानियां सुनाने का उद्देश्य केवल और केवल ये है कि आप जागरूक रहें और सतर्क रहें। तो इसी तरीके से आज की कहानी हम शुरू करते हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। दोस्तों, एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, तभी समुद्र में से अचानक से आवाज़ें आने लगती हैं, बचाओ बचाओ, और बहुत सारे लोग समुद्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब बहुत सारे लोग समुद्र की ओर दौड़ पड़ते हैं तो वो देखता है कि एक लड़की डूब रही है। तो कोई भी उस लड़की को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा, केवल चिल्ला रहे हैं कि इसको बचाओ बचाओ। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति उस समुद्र में कूदता है और समुद्र में कूद करके उस लड़की को पकड़ करके समुद्र के किनारे तक लेकर के आता है। समुद्र के किनारे तक लेकर के आता है तो देखता है कि उस लड़की का काफ़ी देर से उस समुद्र में डूब रही थी, जिससे उसके अंदर पानी भर गया था और वो बेहोश हो गई थी। दोस्तों, वो लड़का एम्बुलेंस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस आती है और उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल लेकर के जाती है तो डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उसको सुबह होश आता है और सुबह होश आने के बाद उससे पूछताछ होती है। लड़की अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाती है, वो केवल उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था। आखिर कौन था वो व्यक्ति और वो लड़की उस व्यक्ति की तरफ क्यों इशारा कर रही थी, और अंत में पुलिस उस व्यक्ति के साथ ही उस लड़की को भेज देती है। आइए विस्तार से इस कहानी को समझते हैं। दोस्तों, अहमदाबाद में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम प्रिया था, उस प्रिया के जो पिता थे बहुत बड़े कारोबारी थे, उनका करोड़ों रुपये का व्यापार था। दोस्तों, प्रिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। दोस्तों, इकलौती संतान होने की वजह से उसको बहुत लाड़ प्यार मिला। उसके पिता और माता ये चाहते थे कि इस बिटिया की हम बहुत अच्छी जगह शादी कर दें, किसी धनवान परिवार में शादी कर दें, ताकि जिस तरीके से ये मेरे घर में रह रही है उसी तरीके से वहाँ पर भी ये रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढते हैं। लड़का ढूंढने पर एक लड़का मिलता है जो बहुत बड़ा व्यापारी था, उसका भी करोड़ों का व्यापार था, और अपनी बेटी की शादी उसके साथ तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि मेरे पिता ने मेरी शादी किसी और के साथ तय कर दी है, तो वो अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं वहाँ पर शादी नहीं करूँगी, मुझे कहीं और शादी करनी है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मेरी शादी आप वहीं पर करा दीजिए। तो उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पिता से इस संबंध में बात करूँगी। तो उसकी माँ उसके पिता से कहती है कि प्रिया ऐसा ऐसा कह रही है। तो उसके पिता प्रिया के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुमने हमारा फैसला नहीं माना, मेरी बात हो चुकी है, तुम मेरी लाडली हो, ये बात ठीक है, लेकिन अगर तुम हमारे नियम के विरुद्ध या हमारी इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों, माता पिता का जो इरादा होता है कभी गलत नहीं होता है, हालांकि वो गुस्से में कुछ भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका हित नहीं चाहते। तो इसी तरीके से उसके पिता ने भी उससे गुस्से में कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम मेरी इच्छा के विरुद्ध गई। दोस्तों, प्रिया ने सोचा कि मेरे माता पिता मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर शादी करा देंगे, और अगर मैंने वहाँ पर ज़बरदस्ती शादी कर ली तो मैं एक जिंदा लाश के समान हो जाऊंगी और मैं अपने शरीर और मन को वहाँ पर एक साथ नहीं रख पाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं अपने खुद जीवन लीला को समाप्त कर लूं और इस संसार को छोड़ करके चली जाऊं, और मुझे ऐसा करना ही नहीं है। तो दोस्तों, वो अहमदाबाद से निकलती है और अहमदाबाद में एक ट्रेन में बैठती है, और ट्रेन में बैठ करके मुंबई पहुँचती है, और मुंबई में समुद्र के किनारे जाती है और समुद्र के किनारे जा करके समुद्र में छलांग लगा देती है, ये सोच कर कि मैं आज अपने प्राणों का अंत कर दूँगी। दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक व्यक्ति दौड़ करके आता है और उस समुद्र में कूद जाता है। समुद्र में कूदने के बाद उस लड़की को बचा करके लाता है, उसको अस्पताल में एडमिट कराता है। डॉक्टर, चूँकि वो बेहोश हो चुकी थी, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उसको सुबह होश आता है तो पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो वो लड़का कहता है कि भाई मैं पास में ही मजदूरी करता हूँ, और मैं मजदूरी करके आया था, समुद्र के किनारे बैठा था, तभी मुझे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, तो मैं जब वहाँ पर जा करके देखा तो मैंने ये देखा कि सब लोग चिल्ला रहे हैं, एक लड़की डूब रही है लेकिन उसे बचा नहीं रहा कोई। तो मैं तैरना जानता था, इसलिए मैं वहाँ उस समुद्र में कूद गया और इस लड़की को बचा लाया और सीधे यहाँ हॉस्पिटल ले आया। तो दोस्तों, फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है, चूँकि मामला पुलिस का था इसलिए पुलिस को बुलाया जाता है कि लड़की आत्महत्या करने के उद्देश्य से उस नदी में कूदी थी। पुलिस आती है, और पुलिस जैसे ही आती है लड़की को होश आता है। उस लड़की का स्टेटमेंट लेना चाहती है, लेकिन वो लड़की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे पाती है, कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। वो कह देती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, और जिस व्यक्ति ने उसे बचाया था उसकी ओर इशारा करती है कि मैं इन्हें जानती हूँ, यही मेरे सब कुछ है।
दोस्तों पुलिस वाले जब इस तरीके की एक्टिविटी देखते हैं तो उस लड़की का स्टेटमेंट और उस लड़की का जो इशारा था उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस लड़के के साथ उस लड़की को भेज देते हैं कि आप इस लड़की को ले जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। और जब इस लड़की को होश आएगा या इसके बारे में हमें कुछ जानकारी होगी तो हम आपसे संपर्क करेंगे। फ़िलहाल इस लड़की का कहना ये है कि ये मेरे पति हैं और मैं इन्हें जानती हूँ, तो फ़िलहाल आप इनको अपने पास रखिए। दोस्तों वो लड़का उस लड़की को लेकर के जाता है और अपनी जो झुग्गी झोपड़ी थी जहाँ वो लेबरी करके आता था, रात में रुकता था, उसी झुग्गी झोपड़ी में ले जा करके उस लड़की को भी रख लिया। दोस्तों उसने दो तीन दिन इंतज़ार किया कि लड़की कुछ बताए, लेकिन लड़की ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। लेकिन चौथे दिन उसने बहुत अनुनय बिनय किया कि तुम कहाँ रहती हो, अपने बारे में बताओ। तो वो लड़की बोली कि देखो मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और मेरे पिता बहुत बड़े करोड़पति हैं और मैं अब ये बात तुम किसी को बताना नहीं, क्योंकि अगर ये बात पुलिस को पता चल गई तो मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे और मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे तो पुलिस मुझे पिता के सुपुर्द कर देगी और मेरे पिता मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे और फिर मैं ऐसा करना नहीं चाहती हूँ। तुमने मुझे बचाया ही क्यों, और तुमने मुझे बचाया है तो तुम्हें अपना मुँह बंद रखना होगा और मुझे यहाँ पर कुछ दिन रहने दो। दोस्तों वो लड़का असमंजस में पड़ जाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, लेकिन वो कहता है ठीक है अगर तुम चाहती हो तो रह सकती हो। दोस्तों वो लड़की रहती है, वो शाम को लेबरी करके आता है, सुबह उस शाम को भोजन लेकर के आता है, उस लड़की को हिलाता है, लड़की बड़े आराम से खाती है और दोनों लोग बड़े आराम से एक महीने तक रहते हैं। दोस्तों एक महीने तक रहने के बाद उन दोनों की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी हो जाती है। लड़की कहती है तुम क्या करते हो, कहता मैं मजदूरी करता हूँ। तो लड़की कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी मजदूरी करने। लड़का मना करता कि नहीं, जब तक मैं हूँ तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें रोटी ला करके दूंगा और तुम चाहो तो अपने घर जा सकती हो, अपने पिता से संपर्क कर सकती हो, तुम्हारे पिता बहुत दुखी होंगे। लेकिन वो लड़की मना कर देती कि मैं अपने पिता से संपर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकती। दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं। अब वो लड़की मनी मन उसे चाहने लगी, वो सोचने लगी कितना अच्छा आदमी है, मुझे इतने दिन से रखे है, मुझे खाना भी खिलाता है और मुझे मेरे पिता से मिलने के लिए भी कहता है, लेकिन अगर मैं पिता के यहाँ चली गई तो फिर मेरे ही बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों तभी उसके पिता उसको बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, उन्होंने गुजरात पुलिस में ये कंप्लेंट दर्ज कराई कि मेरी बेटी इस तारीख से मिस है। गुजरात पुलिस ने सभी जगह ये मैसेज भेज दिया कि इस लड़की की रिपोर्ट आई है, अगर इस तरीके की कोई लड़की दिखे तो मुझे सूचित करें। तभी मुंबई पुलिस गुजरात पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन देती है कि आप जिस तरीके जिस दिन की मिसिंग बता रहे हैं उस दिन हमारे मुंबई में इस तरीके की घटना घटी है, एक लड़की समुद्र में कूदी है और उसे एक लेबर काम करने वाला व्यक्ति अपने साथ लेकर के गया है। दोस्तों गुजरात पुलिस मुंबई पुलिस से कहती है कि कृपया करके आप मेरी मदद करें और उस लड़की की फ़ोटो हमको भेजें ताकि मैं यहाँ पर कंफर्म करा सकूं कि क्या ये लड़की उन्हीं की है। दोस्तों जो मुंबई पुलिस है वो उस झुग्गी झोपड़ी में पहुँचती है और उस व्यक्ति का पता लगा लेती है और उस लड़की की फ़ोटो गुजरात पुलिस को भेज देती है। और जैसे ही गुजरात पुलिस को फ़ोटो भेजती है उसके पिता उस फोटो को देखते हैं तो अपनी बेटी को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि हाँ यही मेरी बेटी है। दोस्तों गुजरात पुलिस मुंबई पुलिस से कहती है कि आप इनको पकड़ करके यहाँ पर ले आइए, इनके पिताजी जो है यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों मुंबई पुलिस उस लड़का और लड़की को गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि चलिए इनके पिताजी बुला रहे हैं। लड़की जाने से मना कर देती है, पुलिस वालों से कहती है कि देखिए मैं एक बालिग लड़की हूँ, मैं भी कानून जानती हूँ, अगर आप इस तरीके की ज़बरदस्ती हमसे करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, मैं आपके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज कराऊंगी। हम लोग आपसी सहमति से रह रहे हैं और आप मुझे ज़बरदस्ती कहीं नहीं ले जा सकते। दोस्तों जब इस तरीके की बातचीत मुंबई पुलिस से करती है तो मुंबई पुलिस उन दोनों को वहाँ पर छोड़ करके लड़की का स्टेटमेंट गुजरात पुलिस को भेज देती है और कह देती है कि लड़की का ये स्टेटमेंट है, अब आप अपना समझिए। दोस्तों गुजरात पुलिस उसके पिता को बताती है कि लड़की ये स्टेटमेंट दे रही है, अब आप अपना जानिए, मेरा काम पूरा हो गया, मैंने आपकी लड़की को कहाँ है इसका पता आपको दे दिया। दोस्तों उसके पिता गाड़ी बुक करते हैं, गाड़ी बुक करके तुरंत उस झुग्गी झोपड़ी में पहुँचते हैं और दोस्तों जैसे ही पिता अपनी बेटी को देखता है तो उसके आंसू आ जाते हैं और जब बेटी अपने पिता को देखती है तो उसके भी आंसू आ जाते हैं। सब कुछ भूल करके दोनों गले मिलते हैं। कहता बेटी मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हुआ, अरे मैं तुम्हारा पिता था तुम मुझे बताती। उसने कहा पिताजी मैंने तुम्हें बताया था लेकिन आपने मुझे कहा था कि हम तुमको ख़त्म कर देंगे, तो इससे अच्छा कि आप मुझे ख़त्म करें मैं ही अपने आप को ख़त्म कर लूँ। उसने कहा बेटी मैं तुम्हारा कभी भूला नहीं चाहता। ऐसा कहकर के उन्होंने कहा चलो बेटी अब घर चलो, और लेकर के उसको चलने लगते हैं।
और उस जो लेबर वर्क का आदमी था उसका धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि अभी कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपकी तुरंत मदद करेंगे और आपने हमारी बेटी को इतने दिन सुरक्षित रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों जब चलने लगती है तो प्रिया कहती है कि नहीं पिताजी, मैं इसके साथ 6 महीने से रही हूँ और ये बहुत अच्छा आदमी है और मैं इसी के साथ जीवन गुजारना चाहती हूँ। उसका पिता कहता है कि ठीक है। अब वो पिता, एक बार उसके साथ ये घटना हो चुकी थी, अब वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी फिर से कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसको दिक्कत हो जाए। तो पूछता है बेटा क्या करते हो, तो कहता साहब मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो पहले तो थोड़ा वो झिझकते हैं, कह रहे मजदूर लड़के से तुम शादी करोगी, लेकिन अपनी बेटी के दबाव के आगे वो झुक जाते हैं और उस लेबर वर्ग के जो व्यक्ति था जो काम करता था उसको भी अपने साथ ले जाते हैं और करोड़ों का कारोबार उसको पहले थोड़ा कारोबार सौंपते हैं और देखते हैं कि वो कारोबार में निपुण है और उसने थोड़े से कारोबार को बढ़ा दिया। तो इसके बाद उनको भरोसा हो जाता है, भरोसा होकर के अपना कारोबार उसको सौंप देते हैं, अपनी बेटी को सौंप देते हैं और दोनों का विवाह करा देते हैं और दोनों जो है एक साथ रह रहे हैं। देख दोस्तों, एक छोटी सी घटना कि लड़की समुद्र में कूदी और उस जो मजदूर व्यक्ति था उसने उस लड़की की जान बचाई और जान बचाते ही वो व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच गया, करोड़ों का मालिक बन गया। तो हमारे जीवन में कब कौन सी ऐसी घटना हो जाए जो मुझे अर्श से फर्श पर ले जाए या फर्श से अर्श पर ले जाए, कभी किसी का घमंड नहीं करना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने आपको ये कहानी सुनाई। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।